क्या ऐसा कोई मुनफरिद और ख़ास किस्म का सजदा है कि उस ख़ास किस्म के सजदे में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाए? यानी हालत सलात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि यूँ ही वो बैठा हुआ है और उसी हालत में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगने की ज़रूरत पेश आई तो सीधे सजदे में जाता है और हालत सजदा में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने का सिलसिला जारी करता है। तो क्या यही मुराद है कि सजदे की हालत में चूँकि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत करीब होता है इसलिए उसे चाहिए कि वो जब भी दुआ करना चाहता हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो वो सजदे में गिर जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब खूब दुआएं करे? क्या यही मुराद है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई मुनफरिद सजदा नहीं है जो नमाज के सजदों से हट करके हो और वो इसलिए की जाए ताकि उसमें बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहता हो। खुसूसी सजदा नमाज के सजदों से हट करके, इसलिए बहुत सारी मसाजिद के अंदर ये बात देखी जाती है कि लोग सलाम फेर लेने के बाद, नमाज से फरागत के बाद ज़िक्र अज़कार में मशगूल होते हैं और उनमें से कुछ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के ख्वाहां होते हैं वो सजदे में गिर जाते हैं और खूब खूब रब्बे करीम से दुआएं करते हैं, हालांकि नमाज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बंदा हालत सजदा में रब से करीब होता है इसलिए उनकी ये चाहत है कि रब से क़ुर्बत की हालत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। इसलिए बजाय अलग से कुछ दुआ करने के सजदे में जा कर के और दुआ करना उन्होंने ज़्यादा बेहतर ख्याल किया। ये बेबुनियाद अमल है।